हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में प्रभात खबर का ई पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपके घर में अखबार आता है प्रभात खबर का, आप अपने उसे मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में चले जाना है, कोई भी ब्राउजर खोल लेंगे। हम गूगल क्रोम खोल लिए हैं। इसमें जाके आपको टाइप करना है प्रभात खबर ई पेपर। तो प्रभात खबर ई पेपर टाइप करके आप उसे सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर में ही प्रभात खबर का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसके ऊपर में कॉर्नर में ई पेपर लिखा हुआ आएगा, तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें एडिशन लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए एडिशन के बगल में 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेगा तो सारा का सारा रीजन इसमें आ जाएगा। जैसे मान लीजिए रीजन मतलब होता है रांची रीजन में बहुत सारा ज़िला है, और पटना रीजन में भी बहुत सारा ज़िला है, कोलकाता रीजन में बहुत सारा ज़िला है। तो आपका देख लीजिए कौन सा रीजन में आपका ज़िला आता है। ऐसा नहीं है कि पटना है तो केवल बिहार का रीजन इसमें रहेगा। पटना में बलिया ज़िला भी है, मतलब यूपी का भी कुछ ज़िला रहता है। तो कोई भी आप चेक कर लीजिए कि आपका ज़िला कौन से रीजन में है। हमारा सिवान पटना रीजन में, तो हम सिवान पटना पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से अपने ज़िला पर क्लिक कर देंगे तो आपका ज़िला का पेपर आ जाएगा। अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे पेपर पर। पेपर पर क्लिक करेंगे तो पेपर खुल के आ जाएगा और एक नंबर पेज ये आएगा। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जूम करके भी पढ़ सकते हैं। और आपको अगला पेज जाना है तो नीचे में देखिए, नीचे में साइड में इधर पेज पलटने का बटन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पेज पलट जाएगा। नीचे में देखिए 2 बटन दिया हुआ है, एक आगे पेज के लिए एक पीछे पेज के लिए। अगला पेज आ गया, आप फिर से इस पेज पर क्लिक करेंगे तो फिर से अगला पेज आ जाएगा। तो ऐसा करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और आपको यह डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल सिंगल पेज डाउनलोड करके, आप 7 पेज का है तो 7 बार में डाउनलोड करके आप उसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में अपने पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।